बाबा अब हमारा क्या होगा, क्या मैं बच जाऊंगा, माँ का बहुत लाडला हूँ। पिशावर धमाके में दिल दहला देने वाली दास्तानें, दर्दनाक कहानियां सुनकर दिल सीने से बाहर आ जाए। पिशावर धमाका दर्जनों घर उजाड़ गया। हंगू से ताल्लुक रखने वाले शहीद पुलिस अहलकार के 3 बच्चों ने सबको रुला दिया। शहीद अहलकार के बच्चे अस्पताल पहुंचे और बाप की लाश पर मातम करते हुए एक ही सवाल बार बार करते रहे कि बाबा अब हमारा क्या होगा, हमें बाबा क्यों छोड़कर चले गए। एक बच्चा मस्जिद के बाहर जारो कतार रोता दिखाई दिया, जिसका बाप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। पिशावर धमाके में शहीद अहलकार की आखिरी गुफ्तगू सुनकर सीने से दिल बाहर आ गया। वो लम्हा जब जख्मों से चूर अहलकार ने पूछा कि क्या मैं बच पाऊंगा, और तो कोई गम नहीं, बस माँ का बहुत लाडला हूँ, मुझे कुछ हुआ तो पता नहीं मेरी माँ का क्या होगा। लेकिन ये अहलकार अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ गया। बचपन के साथी जिए भी साथ, मरे भी साथ। धमाके में शहीद 2 अहलकार ऐसे भी थे जिन्होंने स्कूल की दोस्ती से लेकर शहादत के वक्त तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शहीद इफ्तिखार और शहीद इब्ने अमीन की मुश्तरका नमाज़े जनाजा भी 4 सद्दा में अदा की गई। धमाके में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर इरफान उल्लाह अपने पूरे गांव की मदद किया करते थे। शहीद पुलिस अहलकार हयातुल्ला 20 दिन पहले ही लक्की मरवत से पिशावर ड्यूटी के लिए आए थे। ऐसे कई वाकयात हैं जिन्हें सुनकर दिल से बस आह ही निकलती है।